अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन है इस वक्त तैयब जो है ना, हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने जो हमसे बातें की हुई है वो ये कहता है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, उसके अंदर उसने दो चीजें भी दी है। एक उसने कहा जी, एक उसने पोलिनोमियल दिए पी ऑफ एक्स, और दूसरी जो पोलिनोमियल है वो है हमारे पास क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और जो उसने मेन सही बात की है ना, उसने ये कहा है कि दोनों के दोनों जो पॉलिनोमियल हैं उन दोनों का जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर सेम आता है। मतलब क्या हुआ? सही कब? हो जब आप एक्स माइनस थ्री पे डिवाइड कराओगे। बात कहने का एक्स माइनस मतलब थ्री ठीक पे डिवाइड करना है, मतलब आप पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस थ्री पे जब डिवाइड करोगे वो चीज, और क्यू ऑफ एक्स को एक्स माइनस तीन पे डिवाइड कराओगे, इसका रिमाइंडर, इसका जो आंसर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, और इसका रिमाइंडर बचेगा, दोनों सेम होगी। मैं कंसेप्टिव बात क्लियर हो गई है? सही अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ उसकी, क्या कहते हैं कि कॉपी पेन की, तो आपको इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज, हम कर रहे हैं जी 5.3। और क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने अभी किया? क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने पकड़ा है? क्वेश्चन नंबर है 5। हमारे पास एक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स आ रही है। स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है? जी ये है के एक्स की पावर क्यू, और दूसरी चीज है आपके पास 4x² प्लस 3x प्लस फोर एक्स माइनस स्क्वायर फोर प्लस 3x माइनस 4। अच्छा, क्यू ऑफ एक्स आपके पास क्या आ रहा है? एक्स एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस के माइनस 4x प्लस के। इन दोनों को उसने जो बात की है, उसने ये कहा है कि आपने एक्स माइनस थ्री पे डिवाइड करना है और हल करना है। चले हम एक काम करते हैं कि हम पहले पी ऑफ एक्स को लेके चलेंगे। मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस थ्री की बात, दिस इज जीरो, और एक्स को हम पुट कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस तीन दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या बना माइनस देगा? प्लस थ्री हो जाएगा। +3 जी, तो पी ऑफ एक्स का मतलब कि पी ऑफ थ्री हम बात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। के इंटू थ्री का क्यूब प्लस 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 माइनस 4। यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं? नो अच्छा, 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है, तो वो हम लिखेंगे 27³। 4 का स्क्वायर आप चेक करोगे कैलकुलेटर की पर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 को 4 जब पहले लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, 4 × 9 प्लस 3 × 3 = 9 होता है, और -4। और आगे जरा चला जाए तो ये बन जाता है 27K + 36 और +9 -4। और यहाँ पे जब हम हल करते हैं तो वो आ जाता है, जरा इसको अगर हम हल कर लें तो ये मेरा खाली बन जाता है 45। ऐसे ही है, जरा आप चेक भी कर लो अपने पास कैलकुलेटर पे कि 36 + 9 - 4 इसका आंसर क्या आता है। तभी 36 + 9 - 4 इसका 41 आंसर आता है। चेक कर लो, कंफर्म कर लो। जी +9 -4 -4 41 ही है गुड हो गया। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास ही क्यू ऑफ एक्स हमारे पास अब आ जाता है। चलिए इसके लिए हम अपनी इंक यूज चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास वही तरतीब बन जानी है। हम पहले क्यू ऑफ एक्स लिख लेते हैं अपनी सहूलत के लिए, ये एक्स क्यूब -4x + k। तो हमने इसमें फुल पुट क्या करना, 3 करना, यही 3 पुट करना है जो ऊपर हमने ये निकाला था ना, ये वाला एक्स माइनस थ्री, यही हमने पुट करना है क्योंकि दोनों में एक ही वैल्यू पुट हो रही है। ठीक है, ठीक हो तो हम गया इस पे चलते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3³ -4 × 3 + k। अच्छा, 3 का क्यूब हमारे पास पता है कितना होता है? 27 होता है, और 4³ = 12 होता है प्लस के। प्लस अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि के को छोड़कर 27 में से 12 निकालते हैं, तो 15 हमारे पास पीछे बच जाता है 15 + k, ये हमारे के पास आ गया क्यू ऑफ 3।
अच्छा अब हम क्वेश्चन जरा आप टर्न करो। क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे ये कहा था कि बोथ लीव सेम रिमेंडर, ये उसने कहा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पी ऑफ थ्री की जो वैल्यू है 27K+41 और क्यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ थ्री इज इक्वल टू 15+K, दोनों के दोनों के आपस में इक्वल है। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट यहाँ पे छोटी सी देंगे, मैं इधर साइड वर्क कर लेता हूँ। हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ये सिंस इट इज गिवन दैट बोथ लीव सेम रिमाइंडर, देयरफॉर ये याद रखनी है कि ये बात हमने हर हालत में लिखनी ही लिखनी लिखनी है। देयर फोर्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, देयर फोर्स लिखनी लिखनी है। मतलब ये हुआ क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये वजह लिखनी लिखनी बात, हम इसको इस चीज की वैल्यू लिखते हैं, ये लिख लेते हैं हम लोग 27K+41 इज इक्वल टू, यहाँ से दूसरी वैल्यू ये चीज आ जाएगी 15+K। अच्छा अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, जो के की वैल्यू एक तरफ लेके आ सकते हैं और दूसरी जो वैल्यू है वो हम दूसरी तरफ लेके जा एक सकते तरफ नहीं। हैं। ठीक है, गुड हो गया। तो हम इस सीधी सी बात कर लेते हैं कि 27K -K, हाँ माइनस के आ जाएगा। प्लस के माइनस हो जाएगा, जब भी प्लस के सही हो, माइनस के जब हो रहा होता है इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाने के सिंबल चेंज हो जाता है। इसी तरीके से चेंज यहाँ हो पे जाते हैं, 15 है तो -41 आएगा बस 40 बार। जी, यहाँ पे 26K बन जाता है और यहाँ पे 15 में से जब 41 निकालता है तो ये -26 बन जाता है। क्लियर ही बात। और के की जो वैल्यू बात करते हैं -26, ये वाला 26 जो है ये हमारे पास क्या होता है जाके डिवाइड हो जाता है और आंसर जो है हमारे पास कितना बन जाता है -1। मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन जब हम हल करेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 जीरो वन -1। अच्छा अब बताओ सही कि इस क्वेश्चन में कोई चैलेंज होता हो, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन समझ आ गई बात की, या कोई स्टिल या कोई पंग या कोई परेशानी हो जो समझ नहीं आ रही।